something. No! God! ये भगवान क्या जुलुम है। हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइज देखो, अगर इंट्रो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक करना। लाइक में 1.5 के तुम लोग कर देते हो कंप्लीट, इसलिए हम भी बता देते हैं। और सब्सक्राइब मारो अगर तुम इस चैनल पर नए हो, और अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल मेरा रैंक चल रहा है 567। अब देखो, कल मेरा रैंक था 1000, तो भाई मैंने कल शाम को खेला और वहाँ पे मेरे को 10 का माइनस लग गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई अगर कहीं तगड़ा माइनस लग गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, कल खेलेंगे, कल हम कर देंगे कॉन्करर। और अभी मेरा रैंक चल रहा है 567, तो भाई रात को मैं एक दो गेम और खेलूँगा, आराम से भाई टॉप 500 कर दूंगा, 300 पे रैंक छोड़ दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सुबह हमको कॉन्करर मिल जाएगा। तो गाइस देखो, मैंने ऑलमोस्ट इस आईडी पर कॉन्क्यूरर कर दिया है। तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा कॉन्क्यूरर हो रहा है, किस पर अटके हो या फिर कितनी रैंक चल रही है, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर अभी तक तुम देख रहे हो। फिलहाल बात करते हैं गेम प्ले की। तो गाइस देखो, इस वाले गेम में एक हैकर मिलता है और भाई सिर्फ एक ही चांस था मेरे को उसको मारने के लिए। अगर वो चांस मैं मिस करता हूँ तो भाई वो हैकर मेरे को किल कर देगा और अपना चिकन डिनर भी नहीं होगा। तो भाई देखना एंड तक, तुमको पता लग जाएगा कि क्या चांस था और मैंने क्या किया वहाँ पर। तो भाई देखो, अब यहाँ से जोन आ रहा था तो मैंने कहा इस बंदे को लूट के यहाँ से जल्दी से निकलेंगे, लेकिन तभी एक और गाड़ी आती है और मैंने कहा भाई इसको भी किल करके चलते हैं। फिर ये तो भाई दो बॉडी शॉट में ही किल हो गया, क्योंकि ये बंदा साइड से जोन का डैमेज लेके आ रहा होगा। जब देखो तुम जोन में एंट्री करो, मतलब तुम रेड ब्लू जोन के बाहर हो, वहाँ पे डैमेज ले रहे हो, जैसे ही तुम भाई जोन के अंदर एंटर करो तो भाई तुम्हारी हेल्थ फुल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 50% तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाई ऐसे सीन हो जाते हैं जैसे मैंने किए। तो यहाँ पर देखो जोन था, तो मैंने यहाँ पर तुरंत अपनी बग्गी लगाई और यहाँ पर मैं लेट जाता हूँ और यहाँ पर सामने की तरफ से M4 चल रही होती है और ये बंदा मेरे पे भी शॉट्स लेता है। जैसे ये बंदा मेरे पे शॉट्स लेता है तो मैंने कहा भाई ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से निकल लो। देखो ये आए मेरे पे शॉट्स, मैंने कहा यहाँ से निकलो भाई, यहाँ से ये रिस्क है। मैंने जल्दी से अपनी बग्गी उठाई और सीधा राइट से रोटेट करते हुए मैं सीधा पहुँच जाता हूँ जोन के अंदर। भाई अगर वो बंदा मेरे पे दोबारा से फायर लेगा तो मैं निकलूँगा। मैंने कहा भाई चलो यार रिस्क नहीं लेते हैं, सीधा यहाँ से निकलते हैं, और अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता राइट की तरफ से तो भाई यहाँ पर मेरा गेम ओवर हो सकता था। फिलहाल मैं राइट से पूरा रोटेट करके, क्योंकि उस बंदे से थोड़ा दूरी बना के मेरे को जाना था, इसलिए मैं पूरा राइट से रोटेट करके आया। और इस पहाड़ी के लेफ्ट में जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बाद एक शेक रहता है, इतना मेरे को याद था। तो मैंने कहा भाई उसी शेक पर, अगर वो शेक खाली है तो वहाँ पे जाके मैं होल्ड कर लूँगा। लेकिन तभी राइट की तरफ से एक और बग्गी आती है अब ये बग्गी रुक के मेरे पे लेती है शॉट्स, और भाई मैंने कहा इससे मैं पीक देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये बंदा मेरे को किल कर सकता है। फिलहाल जैसे ही ये निकला, यहाँ पर मैंने एक हेडशॉट कनेक्ट किया इसको और वो बंदा यहाँ से बच के निकल जाता है। फिलहाल मैं अभी तक के लिए जोन में हूँ और सामने वाली सेक पे भी बंदे हैं और राइट की तरफ दो तीन बंदे रहते हैं। अभी तुम देखना यहाँ पर राइट में भाई फाइट होने वाली है और वहाँ पर दो तीन बंदे रहते हैं, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब देखो, जब भी तुमको हैकर नज़र आ जाए, ये देखो बग्गी गई, तभी देखो पीछे से एक और बग्गी आती है। मैंने कहा ये अगर मेरे पास रुका तो भाई इससे ज़रूर फाइट हो जाएगी, लेकिन ये बंदा यहाँ से निकल जाता है। अब सामने देखो स्मोक हो रखा है, ये बंदा यहाँ पर, मैंने उसको थोड़ा सा स्प्रे दिया जिससे कि उसकी बग्गी इधर उधर हुई। और ये इस गेम में शायद एक बंदा, मतलब हैकर जो था ना,
वो बैन हो जाता है। अब देखो राइट की तरफ पे जो शेख था उसने मेरे को फायर आया, तो मैं सीधा आ गया इन घरों पे। मैंने कहा कहीं भी कोई भी सिक्योर पोजीशन है नहीं, यही एक पोजीशन है, अगर ये यहाँ पर मैं होल्ड कर पाता हूँ तो सही है। फिलहाल यहाँ पर देखो मैं जोन के बाहर हूँ। मैं जब घर के अंदर आ गया तब मेरे को पता चला कि मैं जोन के बाहर हूँ, मेरे को जोन में जाना है। तो भाई क्या करें, मैंने कहा निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक सकता हूँ जब तक यहाँ पर जोन नहीं है। जोन जैसे ही आएगा मेरे को बहुत ज़्यादा कटेगा और मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब देखो डेडपूल नाम का बंदा मर चुका है। जैसे ही डेडपूल नाम का बंदा मेरे को पता लगा कि मर गया है, मैंने कहा अभी शायद वही हैकर था जो बहुत ज़्यादा बंदे मार रहा था, लेकिन एक हैकर और है इस वाले गेम में। अब सामने वाले घर में जोन था तो मैंने कहा यहाँ से एक बग्गी उठाएंगे, सीधा सामने वाले घर में ठोक देंगे और वहीं पर जाके होल्ड कर लेंगे। और भाई सेफली मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं होल्ड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से जोन हट गया, तभी मेरे को साउंड आता है कि एक डासिया यहीं कहीं आसपास घूम रही है, तो मैंने कहा इसको किल कर देते हैं जल्दी जाके। इस बग्गी पे मैंने स्प्रे लिया, तो देखो अब मेरे को जाना था जोन में, तो भाई मैंने कहा कि इस बग्गी पे स्मोक कर देते हैं और यहाँ से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट और राइट में कोई भी बंदा हुआ तो भाई वो अपने को लपेट देगा, और अगर वो लपेटेगा तो यहाँ पर अच्छा प्लस नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वाले गेम में मेरे को 20 का प्लस मिलता है, अभी तुम देखना। यहाँ पर देखो 20 सेकंड्स बचे हुए थे, तो मैंने कहा अभी और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बंदे जब जाएंगे जोन में तो भाई पीछे से हम भी जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, पीछे से आता है साउंड की एक डासिया यहाँ से निकल रही है, तो मैंने जैसे ही उस पर फायर लिया तो भाई वो बंदा उतर के कवर में जाने लगा। वो निकल चुका था, ऑलमोस्ट निकल चुका था, वो पहुंच जाता आराम से अपने कवर में। फिलहाल तीन बंदे बचे रहते हैं, अब इसमें से एक हैकर भी होता है। राइट से मैं जा रहा था पूरा रोटेट करके, एक बंदा लेफ्ट में और एक बंदा जस्ट सामने होता है मेरे पे। जैसे ही फायर आया मैंने रोकी यहाँ पर गाड़ी, मैंने कहा इसको रस करके मार देंगे, जो लेफ्ट में है हैकर है उसको बाद में निपट लेंगे, जैसे भी निपटेगा वो मेरे से वैसे मैं निपट लूँगा। और यहाँ पर एक लो टॉस से मैंने नेड कर दिया, दूसरा मैंने हाई टॉस पे किया और ऊपर वाला बंदा इस बंदे को मार देता है। मैंने कहा अब बारी है मेरी, अब देखना यहाँ पर एक स्प्रे आएगा बहुत खतरनाक, देखो बेफालतू का ही स्प्रे, इसको पता भी नहीं है मेरी लोकेशन फिर भी भाई कैसे मार रहा है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ एक ही चांस था, जैसे ही ये बंदा बग्गी उठा के निकलता है, जब ये कार में होता ना तभी मेरे पास चांस था कि मैं इसको किल कर दूं, अन्यथा ये मेरे को किल कर देगा, मेरा चिकन डिनर नहीं हो पाएगा। कमेंट करके जल्दी से बताओ, यहीं पे पॉज करो, कि मैं इसको किल कर पाऊंगा या फिर ये बंदा मेरे को किल करेगा या मेरा चिकन डिनर होगा। अगर चिकन हुआ तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो इस वीडियो को, लाइक एम है 1.5K। एक हेड और एक बॉडी से ये बंदा किल हो जाता है। ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि भाई मैं हैकर हूँ, मेरे को नहीं मार सकते तुम, कार लेके आओगे तो पिल के जाओगे। फिलहाल अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, लाइक है मैं 1.5K, और सब्सक्राइब मारो अगर तुम इस चैनल पर नए हो, और कमेंट करके बताओगी कैसा लगा लास्ट वाला किल हैकर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।